भारत में हर घंटे 3,074 बच्चों का जन्म होता है और हर घंटे 1,116 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से 7% बच्चे बर्थ डिफेक्ट की वजह से मर जाते हैं। ये बर्थ डिफेक्ट किस वजह से होता है, इसमें क्या बच्चों की गलती है? बर्थ डिफेक्ट का सबसे बड़ा रीजन है एनवायरनमेंट। प्रेगनेंसी के दौरान किसी टाइप का इन्फेक्शन, रेडिएशन या स्मोक करना या ड्रग्स के इस्तेमाल से प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, या फिर दूसरा फैक्टर जेनेटिक भी हो सकता है और बची खुची असर कुपोषण की वजह से निकल जाती है। तो एक बात साफ है कि अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचकर रहें और प्रेगनेंसी के टाइम अपने डाइट का ख्याल रखें तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो प्रेगनेंसी के टाइम जरूर दी जाती है। मैं बताऊंगा कि ये कितनी असरदार है, इसे लिया कैसे जाता है और इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो पहले नंबर पे आता है CCM टैबलेट। ये GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ब्रांड है। इसकी पैकिंग बॉटल फॉर्म की है जिसमें 40 टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी MRP 348 रुपए है। ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। इसके अंदर कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, कोलीकैल्सिफेरॉल मतलब विटामिन D3 और फॉलिक एसिड अवेलेबल है। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हड्डियां मजबूत बनाता है। ये टैबलेट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस दौरान कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जो कि नॉर्मल खाने से नहीं मिलती। इस टैबलेट का यूज ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स में भी किया जाता है, और जिनमें कैल्शियम की कमी होती है उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। जनरली इसे दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, पर अगर जरूरत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से डोज बढ़ा भी सकते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द रहता है, आलसपन रहता है, लेकिन इसके यूज से 15 से 20 दिन में आपको असर दिखने लग जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है ऑरोफर XT टैबलेट। ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ब्रांड है। इसके पत्ते में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी MRP 142 रुपए है। ये एक आयरन सप्लीमेंट है। इसके हर एक टैबलेट में फेरस एस्कॉर्बेट जिसे आयरन भी कहते हैं और फॉलिक एसिड मिला हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है जो कि नॉर्मल खाने से नहीं मिल पाती, इसलिए डॉक्टर आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह देते हैं। ऑरोफर XT आयरन की कमी को दूर करता है, ब्लड लॉस को रिकवर करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है। हालांकि इसके यूज से कई बार कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो इसके लिए आप फाइबर से भरपूर वाली चीजें खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और खाना एक रेगुलर टाइम पे ही खाएं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम आयरन की जरूरत को पूरी करने के लिए ये टैबलेट बहुत यूजफुल है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। जनरली इसे खाना खाने के बाद दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, पर नीड के हिसाब से इसकी डोज ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसका रिजल्ट आपको 15 से 20 दिनों के अंदर दिखने लग जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है फॉलोवाइट टैबलेट। ये फाइजर लिमिटेड का ब्रांड है। इसके एक पत्ते में 45 टैबलेट्स होते हैं जिसकी MRP 68 रुपए है। इसके हर एक टैबलेट में फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम में अवेलेबल है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसका मेन काम है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करना। अगर आपका ब्लड लेवल कम है, आपको अनीमिया है, तो उस केस में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और अक्सर ये प्रेगनेंसी में दी ही जाती है। आपके शरीर में अगर रेड ब्लड सेल्स का लेवल अच्छा है तभी ऑक्सीजन सप्लाई भी सही रहेगा। डॉक्टर इसे रोज एक गोली खाने की सलाह देते हैं, पर ये डोज हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द दिखने लगेगा। चौथे नंबर पर आता है मिथाइल कोबाल टैबलेट। ये वोकार्ड लिमिटेड का ब्रांड है। इसके पूरे स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी MRP 122 रुपए है। इसके सभी टैबलेट में मिथाइल कोबालमिन 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है। मिथाइल कोबालमिन मतलब विटामिन B12, और विटामिन B12 ब्रेन और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के टाइम अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो इसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, बच्चों का वेट कम हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स को बनाने के साथ साथ आयरन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है।
ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को भी यूज करने में हेल्प करता है और दूसरे विटामिन्स के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है। इसका डोज जनरली दिन में एक बार का है, पर फिर भी इसे लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में दिखने लग जाएगा। पांचवें नंबर पर आता है बिकासूल कैप्सूल। ये फाइजर लिमिटेड का ब्रांड है। इसके पूरे पत्ते में 20 कैप्सूल अवेलेबल होते हैं जिसकी कीमत 41 रुपए है। ये एक बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है जिसके अंदर और भी कई चीजें मिली हुई है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी मिला हुआ है। इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से ये इतनी इफेक्टिव कैप्सूल है। ये नेल्स, स्किन और हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये डेली डाइटरी इनटेक को बैलेंस रखता है, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। माउथ अल्सर्स में भी यूजफुल है। हेयर फॉलिकल को स्ट्रक्चर देता है, मतलब इसका हर एक इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इस कैप्सूल को रोज एक खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसका रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन के अंदर दिखने लग जाएगा। तो ये थे 5 ऐसी मेडिसिन जो जनरली प्रेगनेंसी के टाइम दिया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और बने रहे इन्फो के साथ अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।